जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना भीषण जंगल है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। और यहाँ पे सिर्फ बम्बुल ही है, जिसे हम लोग विलायती बम्बुल बोलते हैं, सिर्फ इसी बम्बुल का जंगल है। और हमारे प्रेमानंद, और जिस समय हमारे प्रेमानंद महाराज जी यहाँ आए थे उस समय तो यहाँ घोर जंगल हुआ करता था। अब तो यहाँ काफ़ी संख्या में घर भी बन गए हैं, आप लोग देख सकते हैं, और बहुत कम जंगल हो गया है। आप सोचिए कि उस समय हमारे प्रेमानंद महाराज जी यहाँ पे कैसे रहते होंगे। हम लोग वाला घर में नहीं रह पाते साफ सुथराई, और वो इतनी जंगल में रहते थे।